Hi everyone, this is Meghna Arora and you are watching Pakistan Stock Market Updates. तो होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो जैसे कि कल बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी और कुछ लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे थे ग्रुप में 4G Foods Limited के बारे में कि ये कंपनी के जो शेयर है अभी बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर अभी इसका क्या रेट है. उसके फाइनेंशियल्स के बारे में बहुत सारे सवाल हुए, इनके प्रोडक्ट के बारे में सवाल हुए, तो इससे रिलेटेड मैंने आज ये वीडियो बनाई है. और ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में कि क्या ये कंपनी के शेयर्स जो हैं वो वर्थ बाइंग हैं कि नहीं है. तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी इस वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा. और सबसे पहले हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाएं. और मैंने बहुत सारी वीडियोस और भी बनाई हैं जो कि आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएंगी. तो 4G Foods Limited के जो अभी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इनका मिल्क है, क्रीम है, बटर है, और भी इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में अभी आने वाले हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. अभी हम इस लाइव में जानेंगे कि कंपनी का करंट शेयर प्राइस मार्केट में क्या है. आज के हिसाब से इसका रेट जो है वो 8.65 रुपीज़ है. इनका 52 वीक हाई 22.44 रुपीज़ है. तो अगर आप इससे डिस्काउंट रेट निकालें तो ये शेयर अभी आपको मार्केट में 61.44% के डिस्काउंट रेट पे आपके पास अवेलेबल है मार्केट में. 52 वीक लो इनका 7.35 है. 1 ईयर चेंज इनका -39.55% है. एक साल में इनका मार्केट शेयर प्राइस 39.55% इसमें कमी नज़र आई है. इनके जो रिटर्न देते हैं एक साल का रिटर्न जो है उसमें भी 4.35% की कमी आई है इस कंपेयर टू लास्ट ईयर. इनका पी मल्टीपल अगर देखा जाए तो इसका 11.1 मल्टीपल है, सो भी नेगेटिव में. तो ये जो है वो एक नेगेटिव जो है पॉइंट शो करती है कि कंपनी का पी मल्टीपल पी के मार्केट से या उसकी इंडस्ट्री से, एशियन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री से भी इसका अगर इतना लो है तो ये जो स्टॉक है वो वैल्यूएबल नहीं कहा जाएगा. इनका फ्री फ्लोट आप देख सकते हैं कि 25% जो है इसके शेयर्स जो है मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं. और ये जो कंपनी है ये 4G फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड की ये जो कंपनी है ये उसकी सब्सिडरी है. प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो आपने इसके बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में भी देखे होंगे. इसके जो इसका जो प्रोडक्ट है निरपुर बटर, वो तो मोस्टली बहुत सारे आपको शॉप्स पे, आपको ग्रोसरी स्टोर पे या आपको किसी मार्ट पे इजीली मिल जाते हैं. इसके जो प्रोडक्ट हैं वो वेल नोन हैं, लेकिन इसकी सेल्स है कि नहीं है वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है. सो बिल्डिंग अ हेरिटेज ऑफ डेयरी थ्रू इनोवेशन रिनोवेशन की फाउंडेशन ब्लॉक्स ऑफ अवर स्ट्रेटजी इंक्लूड रिलाइंग ऑन इनोवेशन रिनोवेशन प्रोग्राम. वी एम टू लेवरेज अवर आइकॉनिक नूरपुर ब्रांड एंड इट्स पोर्टफोलियो. अब नूरपुर ब्रांड में के पोर्टफोलियो में और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे नूरपुर क्रीम है. ये एक न्यू इंट्रेंड है मार्केट में. इट्स ग्रोथ पैटर्न हैज सजेस्टेड दैट अवर कंज्यूमर्स लुक टुवर्ड्स नूरपुर फॉर क्वालिटी एंड नरिशमेंट. और कीपिंग द कंज्यूमर कन्वीनियंस एट द फोर फ्रंट ऑफ अवर थॉट, द ऑल टाइम फेवरेट नूरपुर बटर वॉज लॉन्च इन अ बटर टब. इन एडिशन कीपिंग द कंजप्शन ट्रेंड्स इन माइंड, अ वेरियंट ऑफ अनसॉल्टेड बटर वॉज इंट्रोड्यूस विच नाउ एक्ट्स एज अ स्टेपल फॉर एवरी हाउस होल्ड. इसके अगर बटर की बात की जाए ना तो देयर बटर वॉज वेरी गुड. और ये जो अभी बटर टब में आ रहा है, मीन्स छोटे से पैकेट में आ रहा है, और ये जो अभी मोस्टली आपको हर ग्रोसरी पे, मतलब इसकी ये जो प्रोडक्ट है बटर का, उसकी सेल्स मार्केट में अच्छी हैं. नूरपुर चीज़ केम इनटू द पिक्चर विद अ रीवैम्प पैकिंग एंड पैकेजिंग एंड इम्प्रूव क्वालिटी फर्दर फोर्टिफाइंग अवर पोजीशंस इन द कंज्यूमर्स माइंड ऑफ बीइंग द डेयरी एक्सपर्ट. इनका एक नूरपुर चीज़ भी आता है और भी इनके जो एक्साइटिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी पाइपलाइन में है, वो भी आते जाएंगे. कंज्यूमर टेस्टिंग अवर इनोवेशन फिनल प्रोडक्ट्स कॉन्सेप्ट शोइंग प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंपनी मूविंग फॉरवर्ड. तो ये भी इनके लिए एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है कि ये कंपनी आगे जो है फॉरवर्ड करेगी, क्योंकि इनके और भी प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में आने वाले हैं, तो ये कंपनी आहिस्ता आहिस्ता खुद को एक्सपेंड ही करेगी. नाउ लुक एट द कंपनीज फाइनेंशियल्स. तो अगर इनकी फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके प्रॉफिट भी नेगेटिव में जा रहे हैं, इनका EPS भी नेगेटिव में जा रहा है. इनका प्रोडक्ट देखें तो इनकी 2020 में 7.3 बिलियन की सेल्स हुई थी और 2021 में 8.5 बिलियन की. इसमें इजाफा तो है,
लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी का जो जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है लास्ट ईयर 3 बिलियन था, इस साल 1.2 बिलियन, सो भी ये नेगेटिव में जा रहा है। मतलब इसके जो लास्ट ईयर तो ज़्यादा इनका लॉस हुआ था, लॉस आफ्टर टैक्सेशन ज़्यादा हुआ था, इस साल जो इसमें थोड़ी फिर भी कमी नज़र आई है। इनका EPS भी लास्ट ईयर के मुकाबले में वो भी 1.60 है और इससे पहले 2020 में 3.92 था। नाउ लुक एट द कंपनीज पे आउट। सितंबर 6, 2021 को इन्होंने राइट शेयर अनाउंस किए थे 97.19916% के, इसने राइट शेयर अनाउंस किए थे 2000 राइट शेयर्स। मैंने आपको पहले भी बताया कंपनी ने अगर राइट शेयर अनाउंस कर रही है या बोनस शेयर अनाउंस होते हैं तो मतलब ये कंपनी अब खुद को एक्सपेंड कर रही है। जुलाई 26, 2017 को इस कंपनी ने 300% मीन्स ₹10 पर शेयर के राइट शेयर अनाउंस किए थे। दिसंबर 22, 2015 को भी इसने राइट शेयर अनाउंस किए, उससे पहले 2014 को भी किए। 2018 से लेकर 2020 तक कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया था। जिस 2021 में उसने राइट शेयर अनाउंस किए थे उस डिविडेंड इसने साल में बस एक दफ़ा ही दिया है। 2010 में इसने 12% का डिविडेंड दिया था, उसके बाद इसके सिर्फ बोनस और राइट शेयर्स ही आ रहे हैं मार्केट में। इन पास्ट 10 ईयर्स कंपनी डिडन अनाउंस एनी डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स। जैसे मैंने पहले भी देखा 2010 में इसने डिविडेंड दिया था, उसके बाद जो 10 साल गुजर गए हैं उसमें कंपनी ने कोई भी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया, जस्ट राइट शेयर और बोनस आए थे। और कंपनी अर्निंग्स आर डिक्लाइनिंग ओवर द पास्ट 5 ईयर्स बाय 10%। ये 10% से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हर साल जो है वो लास्ट 5 ईयर के 5 ईयर का अगर डेटा देखा जाए तो लास्ट 5 ईयर से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 10% डिक्रीज हो गया है। शेयर होल्डर्स हैव बीन सब्सटेंशली डायल्यूटेड इन द पास्ट ईयर विद टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग रैंक बाय 97.2%। इसकी जो पेरेंट कंपनी है, मैंने आपको बताया था कि 4G फर्टिलाइजर बिन कासिम इसकी पेरेंट कंपनी है। ये जो शेयर है FFL का, ये मोस्टली डे ट्रेडिंग में जो होते हैं ना डे ट्रेडर्स लोग होते हैं, या मतलब इसकी मार्केट शेयर प्राइस इतनी कम है कि ये डे ट्रेडिंग में ये शेयर ज़्यादा चलता है। कैश रन अवे एनालिसिस देखें कि FFL हैज सफिशिएंट कैश रन अवे फॉर मोर देन 3 ईयर्स बेस्ड ऑन इट्स करंट फ्री कैश फ्लो। इनका जो करंट फ्री कैश फ्लो जो अगर देखा जाए तो इनके पास जो है सफिशिएंट कैश रन अवे है कि 3 साल का मतलब इनके पास पैसा है। और इसके जो FFL है सफिशिएंट कैश रन अवे फॉर 2.1 ईयर इफ फ्री कैश फ्लो कंटिन्यूस टू ग्रो एट हिस्टोरिकल रेट्स ऑफ 21.4% ईच ईयर। अगर कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो हर साल इंक्रीज हो रहा है तो इनके पास और भी 2.1 ईयर के इनके पास सफिशिएंट कैश होगा। टोटल डेट जो इनका है वो 8 बिलियन का है, आप इनका देख सकते हैं। इनके बैलेंस शीट में आप देख लें कि कंपनी के 8 बिलियन जो है इसका टोटल डेट है इसकी। एंड इन लास्ट 5 ईयर्स डेट इज़ इंक्रीज टू 226.1%। इसके जो लास्ट 5 ईयर्स से पहले 170% था, 5 सालों में इसका और इंक्रीज़ हुआ है डेट, 226.1% हो गया इसका डेट। इतना इंक्रीज़ होता जा रहा है हर साल। और ये कंपनी अभी कंपनी को ज़रूरत है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डेट जो है वो कवर करे। ROE बहुत था नेगेटिव, इनके रिटर्न ऑन एसेट रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों नेगेटिव में ही हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मतलब बता सकते हैं कि आपको किस कंपनी पर किस कंपनी की रिपोर्ट आपके साथ प्रेजेंट की जाए। थैंक यू एवरीवन एंड अल्लाह हाफिज़।